कभी जज साहब नहीं आए, जज साहब आए तो सामने जो प्रोसिक्यूशन है वो नहीं आया, प्रोसिक्यूशन है भी तो सामने जो आपके केस को लड़ रहे हैं जो वकील साहब, जो आपके वकील साहब हैं, जो प्राइवेट वकील साहब हैं आपके, वो नहीं आए, या वो आए भी तो लेट आए, या फिर लेट आए तो जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो बीच में आईओ साहब नहीं है। अगर आईओ साहब नहीं है तो हो सकता है चार्जशीट के अंदर कुछ पेजेस थे या किसी के बारे में सुनवाई होनी थी वो पेजेस नहीं है। दोस्तों, रोजाना की जिंदगी में जिस भी व्यक्ति का या जिस भी किसी परिवार का जब कभी सामना पड़ता है कोर्ट कचहरी से, जब वो कोर्ट आना जाना शुरू करते हैं तो उनके दिल में जो कई सारे फिल्मी डायलॉग भी हैं, लगातार कोर्ट जाने के बाद में भी सिर्फ तारीख मिल जाती है, मतलब कि जाते हैं तारीख मिल जाती है। कई लोग काफी दूर से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, ट्रेन से, बस से आते हैं, काफी लंबा सफर करके आते हैं, कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां उनको अगली तारीख दे दी जाती है। तारीख का मतलब क्या है? बार बार कोर्ट में आपको तारीख मिलती क्यों है? क्या इस तारीख को मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए या पहले की तारीख लेने में क्या आपके वकील साहब आपकी कोई मदद कर सकते हैं, या फिर जो कोर्ट ने एक तारीख दे दी उस तारीख को ही आपको जाना होगा? ये बार बार तारीखें बदलती ही क्यों है, उन तारीख पर ही मैं बताऊंगा आज के अपने इस वीडियो में कि तारीख कैसे लगती है और तारीख कैसे चेंज कराई जा सकती है और बार बार तारीख ही आपको क्यों मिलती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, तारीख का मतलब, तारीख जब डेट मिलती है कोर्ट की, मान लीजिए कोई आपका केस चल रहा है, फिर चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, फौजदारी हो या दीवानी मुकदमा हो, फौजदारी मुकदमे सभी तरह के क्रिमिनल मुकदमे जो होते हैं जिसके अंदर की जेल आपको भेज दिया जाता है शुरू में ही, उन सभी मामलों को हम फौजदारी मुकदमे बोलते हैं। सिविल मुकदमे, दीवानी मुकदमे वो मुकदमे होते हैं जो कि पैसे से लेन देन के मामले होते हैं, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है और पैसा ना देने पर बाद में जब आपका जजमेंट आता है पैसा नहीं दिया तो जेल होती है, मतलब कि शुरू में ही ऐसे आपको जेल नहीं भेजा जाता है और ना ही आप जेल जाते हो, पहले वो मुकदमा चलता है। तो दोस्तों, इसके आगे की हम लोग बात करते हैं, तारीख क्यों मिलती है बार बार। दोस्तों, तारीख बार बार मिलना, इसमें आपके वकील साहब का फॉल्ट नहीं होता कभी भी। हो भी सकता है कि वो कभी लेट जाएं या फिर टाइम से ना पहुंचें, पर ज्यादातर होता क्या है, कोर्ट कचहरी में चलता क्या है, कभी जज साहब नहीं आए, जज साहब आए तो सामने जो प्रोसिक्यूशन है वो नहीं आया, प्रोसिक्यूशन है भी तो सामने जो आपके केस को लड़ रहे हैं जो वकील साहब, जो आपके वकील साहब हैं, जो प्राइवेट वकील साहब हैं आपके, वो नहीं आए, या वो आए भी तो लेट आए, या फिर लेट आए तो जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो बीच में आईओ साहब नहीं है। अगर आईओ साहब नहीं है तो हो सकता है शीट के अंदर कुछ पेजेस थे या किसी के बारे में सुनवाई होनी थी वो पेजेस नहीं है। दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर जब कोई मुकदमे में कोई भी अड़चन आती है तो वह आपको तारीख मिल जाती है। जज साहब नहीं है तो भी आपको तारीख मिल जाएगी, आपके वकील साहब नहीं गए तो भी आपको तारीख मिल जाएगी। ऐसा होता है कि ये तारीखें जो होती हैं सिर्फ तभी लगती हैं जब कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो सकती, मतलब कि जो जो वहां चाहिए, अगर किसी केस में आईओ साहब का होना जरूरी है, जज साहब तो होंगे ही होंगे, साथ में आपके वकील साहब, साथ में पीपी साहब का होना जरूरी है, कभी कभी बहुत सारे मामलों में कंप्लेनेंट का होना बहुत जरूरी होता है, इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो अगली आपको तारीख मिल जाएगी। अब तारीख मान लीजिए आज आप किसी भी तारीख पर जाते हैं, आज कोई भी तारीख है, मान लीजिए एक तारीख है, अब गए तो वकील साहब ने बोला कि आर्गुमेंट भी किया पर फिर भी वो जज साहब वहां पर तारीख दे रहे हैं, अब वहां पर आपको तारीख मिलती है 20-25 दिन के बाद की, तो आपके वकील साहब ही चाहें तो उस डेट को कोई भी शॉर्टर डेट करा सकते हैं, छोटी डेट ले सकते हैं, या फिर आप चाहते हो लंबी डेट लेना तो लंबी डेट भी ले सकते हैं, उन्हें सिर्फ रिक्वेस्ट करनी होती है, तो डेट आपको जल्दी और बाद की ली जा सकती है। कभी अगर आपके वकील साहब कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, अब आप चाहते हैं कि बस तारीख लग जाए, आपके वकील साहब के इंस्ट्रक्शंस जो बोलती हैं कि आप ये तारीख ले लो, तो वो तारीख भी जाकर आप ले सकते हैं। दोस्तों, जिस भी कोर्ट में आपकी सुनवाई है उस कोर्ट में जज साहब तो है ही, वो तो लगातार उन केस को देखते ही हैं, बट साथ में जो वकील साहब हैं आपके, उनके पास हो सकता है कि उसी तारीख में 3-4 केस और भी हो, वो थोड़ा लेट भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन दें या अपने जूनियर को भेज दें, ऐसे कई सारे मामले होते हैं। हर मामले में आप अपने वकील साहब को ही अगर गलत ठहरा दोगे तो उन्हीं को आपके केस को आगे लेकर जाना है, वकील साहब पर भी प्रेशर होता है आपके केस को अच्छे से देखने का, तो कोई भी वकील नहीं चाहता कि उसको बार बार तारीख मिल जाए, वो भी चाहता है काम हो उस तारीख पर। तारीखें मिलती हैं
क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, इसी वजह से ही तारीखें दी जाती हैं। तारीख के मामले में जो मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं या आप चाहते हैं कि बेल पर बार बार जब तारीख मिलती है वो क्यों मिलती है, उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हम उस पर भी एक इंडिविजुअल वीडियो बना सकें और आपको बता सकें सब कुछ, जो भी डाउट्स हैं आपके दिल में उन्हें हम क्लियर कर सकें। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।